नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की गुत्थी उलझी हुई है। अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टर्स का उड़ना, 2 का सुरक्षित लैंड करना और 1 का अचानक लापता हो जाना, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ईरान की सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं ढूंढ पा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश साजिश थी या हादसा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ईरान खुद ये मान रहा है कि अगर ये हत्या है तो इसमें इजराइल का हाथ हो सकता है। रईसी के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को ढूंढने में टर्की को सफलता मिली थी। उसके ड्रोन ने ही हीट सिग्नेचर से हादसे वाली जगह से हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढ निकाला था। टर्की ने ही खुलासा किया कि हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी सिग्नलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति सफर कर रहे थे उसका इमरजेंसी सिग्नलिंग सिस्टम क्या अचानक बंद हुआ या पहले से ही कोई साजिश रची गई थी। अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टरों का उड़ना, 2 का सुरक्षित लैंड करना और 1 का अचानक लापता हो जाना, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ईरान की सुरक्षा एजेंसियां भी नहीं ढूंढ पा रही। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि वीवीआईपी मूवमेंट को टॉप सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन डैम उद्घाटन के बारे में सबको पहले से पता था। जब हेलीकॉप्टर वहां खड़े होंगे, अगर साजिश रची गई तो वहीं छेड़छाड़ की गई होगी, क्योंकि क्रैश की वजह मौसम कम, टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा मानी जा रही है। तो क्या ये इंटरनेशनल साजिश थी या ईरान के अंदर ही रईसी का दुश्मन मौजूद है? दरअसल ईरान की राजनीति इस समय एक अलग ही दौर से गुजर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बेटा रईसी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जा रहा था। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या खामनेई के बेटे की उम्मीदवारी रईसी की जान पर भारी पड़ गई। रक्षा विशेषज्ञों की ओर से ये तर्क भी दिया जा रहा है कि रईसी की मौत के बाद अब खामनेई का बेटा मुस्तबा राष्ट्रपति पद के अकेले उम्मीदवार है। रईसी इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने खामनेई के बेटे को चुनौती दी है। दूसरी तरफ ईरान की लीडरशिप का सीधा मुकाबला इजराइल और अमेरिका से भी हो रहा है। दोनों कैंप एक दूसरे को एक आंख भी नहीं पसंद करते। एक तरफ बाइडन, नेतन्याहू और उनके नाटो की मंडली है, तो दूसरी तरफ हमास चीफ इस्माइल हानिया के साथ हिजबुल्ला और ईरान की लीडरशिप खड़ी हुई है। इनके साथ रूस भी है और चीन भी खड़ा है। ईरान के मुद्दे पर मुस्लिम देश भी बंट चुके हैं। यूएई, कतर, अजरबैजान जैसे देश इजराइल के साथ हैं और टर्की ईरान के साथ खड़ा है। सऊदी अरब भी गाजा के मसले पर ईरान को बैकडोर से सपोर्ट कर रहा है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं। गुजरात से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकियों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए, 4ों में से 2 आतंकी पहले भी 8 बार भारत आ चुके हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है। सोने की तस्करी में शामिल आतंकी मोहम्मद और मोहम्मद फारिस ने ड्रग्स का कारोबार करने का भी खुलासा किया है। आतंकी मोहम्मद रासदीन के खिलाफ श्रीलंका में 5 मामले दर्ज हैं। तो गिरफ्तार 4 आतंकियों ने पर्दाफाश किया है। 2 आतंकी 8 बार भारत आ चुके हैं और इनके निशाने पर कई बड़े नेता थे और ये भारत में किसी बड़े हमले को अंजाम देने वाले थे। बड़ी साजिश रची गई थी। फिलहाल इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनसे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ में ये तमाम बड़े खुलासे कर रही हैं, जिसमें इनकी तरफ से बताया गया है कि इनके
जो इरादे थे वो किसी बड़े हमले को अंजाम देने के थे। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और देश के दुश्मन हिंदुस्तान में खून बहाने की साजिश रच रहे हैं। इसी बीच गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के इन चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों की पहचान मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद नसदीन के तौर पर हुई है। ये चारों श्रीलंका के नागरिक बताए जा रहे हैं जो आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य हैं। आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए ये भारत की धरती पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि ये अपनी साजिश में कामयाब हो पाते गुजरात एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। सभी आतंकी श्रीलंका से पहले चेन्नई पहुंचे और उसके बाद ये अहमदाबाद आए। ये बात भी सामने आ रही है कि इन आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा है। कहा जा रहा है कि ये सभी आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए अपने हैंडलर का अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे, जहां से इनको हथियार भी मिलने वाले थे, लेकिन इनकी साजिश मिट्टी में मिल गई। फिलहाल एटीएस इनके नापाक मिशन के बारे में पूछताछ कर रही है। जांच पड़ताल से साफ हो जाएगा कि आतंकियों के टारगेट पर कौन से शहर थे। आतंकियों के अहमदाबाद से पकड़े जाने के बाद गुजरात पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। आतंकवादी प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक स्टेट ना सक्रिय सभ्यों छे अने ए चार लोको संपूर्णपणे आईसिस नी जे आइडियोलॉजी छे ए आइडियोलॉजी में रेडिकलाइज थई गया छे। पिछले साल अगस्त में भी एटीएस ने अलकायदा से संबंधों के आरोप में राजकोट से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में अपने पैर पसारने के लिए काफी वक्त से कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से इनके मंसूबों पर तगड़ा प्रहार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं भजनलाल सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान की दिशा में अब बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई शुरू करेगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, जहां मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आम जनता की समस्या सुनेंगे और उनके समाधान की कोशिश करेंगे। देखिए रिपोर्ट। जनता दरबार लगाएगी भजनलाल सरकार। बीजेपी कार्यालय में रोजाना जनसुनवाई होगी। मंत्री पदाधिकारी करेंगे जन सुनवाई। जनता की समस्याओं का होगा निपटारा। बीजेपी का प्रदेश कार्यालय जल्द गुलजार होता दिखेगा। चुनावी व्यस्तता में न नेता पार्टी कार्यालय आ पा रहे हैं, न ही ज्यादातर पदाधिकारी। सब चुनावी राज्यों में पार्टी की विजय पताका फहराने में जुटे हैं। जैसे ही चुनावी नतीजे आएंगे और दिल्ली में नई सरकार शपथ लेगी, राजस्थान में भी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक नई शुरुआत होगी। आम जनता की ओर नजदीक जाने के मकसद से भजनलाल सरकार बीजेपी कार्यालय में मंत्री दरबार लगाएगी। पार्टी के पदाधिकारियों ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम भजनलाल और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के बीच जन सुनवाई पर बात हो चुकी है, बस वक्त का इंतजार है। आम जनता अपने काम के लिए इधर उधर नहीं भटके, और भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्र है यहाँ का प्रदेश का कार्यालय है, उस कार्यालय के अंदर आम जनताओं की सुनवाई हो, उनके छोटे मोटे काम हो और जनता को इधर उधर भटकना नहीं पड़े, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि हमारी सरकार जनता की सरकार है और जनता का, आम लोगों का हर काम यहाँ पे होना चाहिए। बीजेपी के लिए पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई का ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है। 2013 से 2018 के वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान भी बीजेपी का प्रदेश कार्यालय जनसुनवाई का गवाह बना। आम जनता दूर दराज से अपने काम लेकर आती, मंत्रियों से फरियाद करती,
मंत्री संबंधित महकमों के अफसरों के पास फोन करते हैं और लिखित में समस्याएं भी भेजते, मगर अधिकांश जन सुनवाइयों में तबादले के मामले आते। सरकार चाहते हुए भी आम कर्मचारियों और उनके परिजनों को राहत नहीं दे पाई। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनसुनवाई का दौर वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। मंत्री आते, जनता दरबार लगाते, आम जनता की समस्याएं सुनते और फिर समाधान की कोशिश भी करते, मगर जनसुनवाई अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई और वसुंधरा राजे सत्ता से बाहर हो गई। अशोक गहलोत ने भी वसुंधरा राजे के नक्शे कदम पर चलते हुए पीसीसी में जनता दरबार लगाया, मगर वहां पर भी नतीजा ढाके तीन बात निकला। अशोक गहलोत